नमस्कार अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है आज हम वर्तमान में जो संविधान संशोधन हुए हैं उन्हें एक साथ डिस्कस करेंगे एक सौ संविधान संशोधन 2021 से लेकर एक सौ संविधान संशोधन 2017 तक को एक साथ डिस्कस करेंगे उल्टे डायरेक्शन में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्तमान में जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह एक है उसके पीछे का एक फिर एक सौ तीसरा और एक है तो स्टार्ट करते हैं एक सौ संविधान संशोधन 2021 से तो एक बात याद रखिएगा इसका विधेयक नंबर जो था वह एक था बिल नंबर 127 था और किसने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसे लोकसभा में पेश किया लोकसभा से 9 अगस्त 2021 को सर्वसम्मत से पारित हुआ तथा राज्यसभा से 11 अगस्त 2021 को सर्वसम्मत से पारित हुआ और एक संविधान संशोधन 2021 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति अट्ठारह अगस्त दो को दी और यह उसी दिनांक से लागू हो गया अब आते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं यह देख लेते हैं तो पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने के लिए कि इस देश के ढांचे को बनाए रखने की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी लिस्ट तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है एक सौ पांचवें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद तीन सौ बयालीस ए में संशोधन किया गया और कॉन्सिक्वेंसनल अमेंडमेंट जो है हुआ वह अनुच्छेद तीन बी और अनुच्छेद तीन में हुआ यह एक सौ संविधान संशोधन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है संविधान का अनुच्छेद तीन बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करना अनिवार्य करता है संशोधन द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों की के लिए इस अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है यह अनुच्छेद तीन जो अनिवार्यता करता था उस अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है एक सौ संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2018 में एक सौ संविधान संशोधन किया गया था उसी के माध्यम से अनुच्छेद तीन बी शामिल किया गया था जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है तो अनुच्छेद तीन बी किससे संबंधित है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना कर्तव्य तथा शक्तियों से संबंधित है और अनुच्छेद तीन ए जो एक विशेष जाति को सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के रूप में अधिसूचित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है उससे संबंधित है और जो सूची है उस सूची में बदलाव के लिए संसद अनुच्छेद तीन सौ 26 क्लास छब्बीस सी में सोशली एजु सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को डिफाइन किया किसमें तीन सौ 26 क्लास छब्बीस सी में 306, 6, 6, 6, 6, 6, 6, तो यह संशोधन अधिनियम उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक हो गया था जिसमें राज्यों ने एक सौ दोवें संविधान संशोधन के अधिनियमित किए जाने के बाद पिछड़े वर्गों की सूची में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने की अपनी शक्ति खो दी थी और इसी शक्ति जो खो दी थी राज्यों ने उसी को क्लियर करने के लिए एक संविधान संशोधन लाया गया और यह एक सौ पाँचवा संविधान संशोधन डॉक्टर श्री लक्ष्मन्ना राव पाटिल वर्ष से मारा, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आंदोलन को स्टक डाउन कर दिया था उसी के बाद यह वहाँ शुरू हुई थी और उसी के प्रभाव को दूर करने के लिए यह एक संविधान संशोधन लाया गया अब आते हैं एक संविधान संशोधन 2020 पर एक संविधान संशोधन 2020 का विधेयक क्रमांक क्या था तो 126 था विधेयक नंबर क्या था बिल नंबर 126 था ये याद रखिए किसे पेश किसने पेश किया था इसे तात्कालिक रूप से यह विधेयक उस समय के तत्कालीन कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और लोकसभा ने इसे 10 दिसंबर 2019 को पारित किया था तथा राज्यसभा ने 12 दिसंबर 2019 को पारित किया था क्या कि इसमें संशोधन किया गया एक सौ चौथे संविधान संशोधन के माध्यम से तो एक सौ चौथे संविधान संशोधन के माध्यम से यह संशोधन किया गया संविधान के अनुच्छेद तीन में संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एस सी एस टी समुदाय के आरक्षण को 80 वर्ष यानी कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया और लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया अभी आप यहां कमेंट करके यह बता दीजिएगा कि लोकसभा के लिए जो दो व्यक्ति एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं वह किस आर्टिकल में किए जाते हैं यह बताइएगा विधानसभाओं में एक व्यक्ति जो किया जाता है वह किस आर्टिकल में किया जाता है और यह एक संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लोकसभा व राज्य की विधायिकाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया किसके माध्यम से हटाया गया एक संविधान संशोधन दो के माध्यम से अब आते हैं एक सौ तीसरे संविधान संशोधन दो हजार उन्नीस पर एक सौ तीसरा संविधान संशोधन दो हजार उन्नीस का विधेयक नंबर क्या था तो इसका विधेयक नंबर एक सौ चौबीस था बिल नंबर वन टू फोर था लोकसभा ने इसे आठ जनवरी को पारित किया तथा राज्यसभा ने नौ जनवरी दो हजार उन्नीस को पारित किया किसने पेश किया था तो थावरचंद गहलोत ने पेश किया था केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने एक सौ तीसरे संविधान संशोधन को पेश किया था इसका उद्देश्य क्या था समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में दस प्रतिशत आरक्षण देना ई वाली जो बात आप लोगों ने सुनी होगी वह वा ई वाला रिजर्वेशन एक संविधान संशोधन दो के माध्यम से प्रदान किया गया एक सौ तीसरे संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में क्या व्यवस्था की गई तो एक सौ तीसरे संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद पंद्रह में एक नया क्लाज पंद्रह छः जोड़ा गया तथा अनुच्छेद सोलह में एक नया क्लाज सोलह छः जोड़ा गया और यह एक सौ तीसरा संविधान संशोधन दो हजार उन्नीस जो है बारह जनवरी दो हजार उन्नीस से लागू हो गया अब आते हैं एक संविधान संशोधन 2018 हजार अठारह एक संविधान संशोधन 2018 का विधेयक नंबर कितना था तो विधेयक नंबर 123 था विधेयक नंबर 123 था एक सौ में विधेयक के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में यह 2 अगस्त 2018 को पारित हुआ लोकसभा से तथा राज्यसभा से यह 8 अगस्त 2018 से पारित हुआ और किसने इसे प्रस्तुत किया था केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे प्रस्तुत किया था और एक सौ संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अभी मैंने आपको एक संविधान संशोधन बताया कि एक संविधान संशोधन के माध्यम से जो संशोधन किया गया था उससे जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी उसी कठिनाई को दूर करने के लिए संसद ने एक संविधान संशोधन किया एक संविधान संशोधन 2021 किया यही एक वाले में तो एक सौ दोवें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में दो नए अनुच्छेद अनुच्छेद तीन सौ अड़तीस बी और अनुच्छेद तीन सौ बयालीस ए को जोड़ा गया तथा अनुच्छेद तीन सौ अड़तीस व तीन सौ छाछठ में भी संशोधन किया गया और यह एक सौ संविधान संशोधन ग्यारह अगस्त दो हज़ार अगस से लागू हुआ कब से लागू हुआ ग्यारह अगस्त दो हजार अट्ठारह से लागू हुआ अब आते हैं एक सौ एकवें संविधान संशोधन 2017 पे एक सौ संविधान संशोधन जीएसटी के नाम से फेमस है जीएसटी सी के द्वारा लाया गया था एक सौ संविधान संशोधन का बिल नंबर कितना था एक सौ बिल नंबर था विधेयक नंबर एक सौ बाईस था राज्यसभा में तीन अगस्त 2016 को पारित हुआ तथा लोकसभा में आठ अगस्त दो सोलह को पारित हुआ किसने पेश किया था तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पेश किया था राज्यसभा में और एक सौ संविधान संशोधन द्वारा वस्तु व सेवा कर अर्थात जीएसटी का प्रोविजन किया गया जीएसटी केंद्र सरकार व राज्य सरकारों, राज सरकारों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं पर लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और संविधान में अनुच्छेद दो ए दो ए दो ए जोड़ा गया संविधान में अनुच्छेद दो ए दो ए और दो ए जोड़ा गया तथा अनुच्छेद दो ए को समाप्त किया गया संविधान की छठवीं व सातवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद दो सौ अड़तालीस दो सौ उनचास दो सौ पचास दो सौ अड़सठ दो सौ उनहत्तर दो सौ सत्तर इकहत्तर दो सौ छियासी दो सौ छाछठ व दो सौ अड़सठ में भी संशोधन हुआ ये यह कांसिक्वेंसनल अमेंडमेंट था और जीएसटी कब से लागू हुई यह एक आप बताइएगा जीएसटी कब से लागू हुई लेकिन एक सौ एकवा संविधान संशोधन किस दिनांक से लागू हुआ तो एक जुलाई 2017 से लागू हुआ एक सौ संविधान संशोधन एक जुलाई 2017 से लागू हुआ आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी उसकी लिंक हम यहाँ पे दे देंगे आप उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो लोग पेड मेंबरशिप लेना चाहें वहीं से कांटेक्ट करके ले सकते हैं थैंक यू